नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है समीर कुमार। आज जो मैं आपको चैप्टर बताने जा रहा हूं उसका नाम है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट का काम आपको अल्फ़ाबेट चैप्टर के अलावे कोडिंग डिकोडिंग इत्यादि चैप्टर में भी बहुत काम आता है। मैं आपको प्लेस वैल्यू याद कराने जा रहा हूं कुछ इमेजिनेशन के द्वारा, कुछ ट्रिक के द्वारा, जिसके द्वारा आपको याद हो जाएगा कि अगर मैं पूछूँगा एल किस स्थान पर है बाएँ से, तो आप बोलेंगे 12। एम कौन सा स्थान है, तो आप बोलेंगे 13। इस प्रकार से मैं कुछ ट्रिक देने जा रहा हूँ जो आप देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से ये दिया हुआ है, आपके बाएं से लिखा हुआ है और ये आपके दाएं से है, अल्फ़ाबेट चैप्टर मैंने लिख दिया ऊपर में, तो ये आपके बाएं से है ए से जेड तक दिया हुआ है। आपके बाएं से पहला ए हो गया, बाएं से दूसरा बी हो गया, बाएं से तीसरा सी हो गया। इस प्रकार आपके दाएं से पहला जेड हो गया, आपके दाएं से दूसरा वाई हो गया। तो इस प्रकार से मैं आज आपको आपके बाएं से सबका प्लेस वैल्यू याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले ए, बी, सी और डी, ये चारों को देखा जाए तो ये काफ़ी आसान है याद रखना। ए पहला होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा होता है और डी चौथा होता है। मैं ई से शुरुआत करता हूँ मित्रों, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं ये लिखता हूँ ई, ये आप देख रहे हैं ई, ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ई फोर होता है, इरेज भी होता है, इरेज मतलब मिटाना हुआ। मैंने ये यहाँ पर मिटा दिया, इस जगह पर देख रहे हैं आप स्पष्ट, और ये जो मिटाया वो यहाँ पर लकीर को यहाँ डाल दिया लाइनिंग को। अब ई फाइव हो गया, जी हाँ ई फाइव दिखाई पड़ रहा, ई फाइव। इसी प्रकार से अब मैं एफ की बात करूँगा, एफ एफ देखिए, एफ इस जगह पर एफ हुआ। ऐप को मैं इस प्रकार से यूँ नीचे अगर मिला दूँ तो स्पष्ट F 6 नज़र आ रहा है। ये देखिए G, G, G में ये दिखाई पड़ रहा है, ये G, G 7 स्पष्ट है, आसान सा है G 7 याद करना। देखिए बिल्कुल कितना आसानी से बिल्कुल याद हो रहा है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। H, H पर होता है हैट, हैट मतलब होता है टोपी, आपको पता ही ये बात। तो मैं इस हैट को, एच को ऊपर टोपी और नीचे टोपी बना देता हूँ, ये हो गया एट, एच हो गया एट। आई, आई तो अपने आप में खुद में देखने में नाइन लग ही रहा है और ये नाइन होता भी कैपिटल में है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इकलौता एक मात्र है जो नाइन तरह लगता है। जे, जी हाँ जे, जे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस इंस्टीट्यूट से लगभग हज़ारों स्टूडेंट तो अब तक पढ़ के निकल चुके हैं, सबको याद है कि जे को थोड़ा हम ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से और वन की तरह लिख देते हैं, जे को वन की तरह लिख देते हैं। अब जे लग रहा है वन, और वन पर अगर जीरो बैठा दिया जाए तो कितना हो जाता है 10। तो इसी प्रकार से जे ओ जो का मतलब होता है 10। अगर आप लोग रट्टा मार ले जी ओ जो, जो का मतलब होता है 10, जी ओ जो का मतलब होता है 10, तो कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों, मैं बीच में आपको रोक कर एक बार अल्फ़ाबेट में ऊपर की ओर जाना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा, अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं जिसमें कि आधा 13 और आधा 13, 26। ए से एम तक 13 होता है और एन से जेड तक 13 होता है, 13 तरह 26। तो एम 13वां होता है और एन 14वां होता है। इस प्रकार से एम 13 एन 14, एम 13 एन 14, एम 13 एन 14 दिमाग में आप बिल्कुल बिठा ले और ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम अर्धांश से फर्स्ट हाफ और ये द्वितीय अर्धांश से सेकंड हाफ। जे, के देखिए, मैं के, पी और आर तीन को बिल्कुल अलग अंदाज में लिखूँगा। ये है के, के देख रहे हैं, मैं के बिल्कुल हटा के नहीं, ये दो जो लाइनिंग है वो के से मैं हटा के लिख रहा हूँ यहाँ, और ये दोनों लाइन को मैं फिर खड़ा कर देता हूँ। ये क्या हो गया के 11, के 11। इसके बाद L, L को मित्रों मैं दो तरीका से बताना चाहूँगा। एक तो या तो आप यहाँ घड़ी का साइनिंग याद कर लें, यहाँ पर घड़ी वॉच है, हाँ, और यहाँ पर 12 हो बजते हैं, 12 बजे के जगह पर मन में L सेट कर लें। देखिए मित्रों, इमेजिनेशन की जो क्षमता होती है, जो आपकी मानसिक होती है, वो आप जितना विकसित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद करने में सुविधा होगी। या फिर एक कहावत भी है, एल का मतलब कहता है मित्र कोई दूसरे से, उसका तो
एल लग गया है, ये आपने सुना होगा खासकर फिल्मी लैंग्वेज में। एल लगना का मतलब होता है कोई अत्यंत परेशान है, तो हिंदी मुहावरे का अर्थ है, मतलब एल लगना मतलब परेशान होना, चेहरे पर 12 बजना यानी होता है अत्यंत परेशान होना। जी हाँ बिल्कुल, आपके पास दो तरीका है याद करने का है, या तो घड़ी की जगह जहाँ 12 है वहाँ आप एल याद कर लीजिए, या फिर आप ये उसका तो एल लग गया है, किसी को एल लगता है तो वह बहुत परेशान होता है, तो चेहरे पर 12 बजना यानी अत्यंत परेशान होना। और बिल्कुल जिस प्रकार से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एम एम जो है वो प्रथम अर्धांश है, एम 13 एन 14 एम 13 एन 14, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है मित्रों कि हम एम को अगर यूं उल्टा के लिख दें इस प्रकार से, देखिए इसके आगे 1 डाल दें तो एम 13 हो गया, एन एन मैंने कहा है एम 13 एन 14 एम 13 एन 14, फिर भी अगर नहीं है तो देखिए ये एन उल्टा 4 की तरह दिखाई पड़ रहा है, ये हो गया 14 एन 14। ओ ओ ओ को मैं गुल्लक का नाम देता हूँ, गुल्लक आपने चुकिया देखा होगा, चुकिया जो हम लोग ग्रामीण भाषा में बोलते हैं मिट्टी का होता है, या वो होता है जिसमें बच्चे पैसा जमा करते हैं, तो आप भी अपने घर में आज एक वो पिगी बैंक या कुछ खरीद ले और उसमें आप 15 रुपये जमा कर दें, 15 रुपये से 15 पैसे भी ज़्यादा नहीं, सचमुच जमा कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं तो मन ही मन अवश्य जमा कर दें। इस प्रकार से आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ओ के पेट में 15 है। देखिए पी, जिस प्रकार पी ऐसा होता है मित्रों, मी पी मैं पी ऐसा नहीं, मैं पी इस प्रकार से लिखूंगा, थोड़ा पी हटा के, मैंने कहा था के पी और आर कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, तो मैंने पी लिखा कुछ इस प्रकार से, पी का ये जो है बल आगे ये गोल ऐसा ये आगे खींच लिया और इसको इस प्रकार से खींच दिया, पी हो गया 16। इस प्रकार पी, फिर है क्यू, क्यू देखिए मित्रों ये क्यू है, ये आप दिखाई पड़ रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ क्यू, क्यू क्यू का जो पूंछ ये दिखाई पड़ रहा है इसमें ये छुपा हुआ है 17, क्यू आराम में 17 लिखा हुआ है, क्यू में कुछ है नहीं, तो देखिए क्यू ये क्यू लिखा हुआ है और इसी में छिपा हुआ है 17, क्यू देखते हैं आपके दिमाग में, उसकी पूंछ देखते हैं ध्यान में आना चाहिए कि ये क्यू 17 है। इस प्रकार से चलिए आर जो इस प्रकार से होता है, मैं आर ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल पी के तरह आर को हटाकर लिखूंगा इस प्रकार से, और ये जो देख रहे हैं आर को, मैं ये आर को ऐसे और ऐसे मिला दिया, आर हो गया 18। एस देखिए मित्रों, एस एस बिल्कुल 9 की तरह लग रहा है यहाँ पर, मगर क्या एक ही अल्फ़ाबेट में 2 9 हो सकते हैं? जी नहीं, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अगर मैं इसके आगे 2 डाल दूँ तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में कुल 26 ही अक्षर होते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, एस हो गया 19। टी टी तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं बच्चे, T20 क्रिकेट मैच बहुत ही फेमस है, तो टी हो गया 20। इसी प्रकार यू, यू में कैपिटल में नहीं लिखूंगा, यू में स्मॉल लेटर में लिखूंगा, थोड़ा सा कुछ इस ढंग से देखिए, क्या यू 21 नहीं लग रहा है देखने में? यू 21 लग रहा है, देखिए मैं फिर से लिखता हूँ यू, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा मैंने यू और ऐसे खींच दिया, 21 लग रहा है, 21। आप चाहें तो बीच में इसमें इरेज भी कर दें तो ये 2 और ये 1 लगेगा, ये हो गया यू 21। भी भी ये इस प्रकार से सक्सेस की निशानी है, किसी को बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है तो ये भी दिखाया जाता है, नेतागण अगर कहीं जाते हैं तो अपने समर्थकों को यूं दिखाते हैं, या कोई छात्र परीक्षा देने जाता है तो उसको अन्य उसके मित्रगण यूं दिखाते हैं 2, तो बदले में उनके छात्र या नेतागण के समर्थक जो होते हैं वो भी यूं ही दिखाते हैं, ये हो गया भी हो गया 22।
जी हाँ, भी हो गया 22। इस प्रकार डब्ल्यू डब्ल्यू के देखिए दो तरीका है याद करने का मित्रों, ये लिखता हूँ मैं डब्ल्यू डब्ल्यू। तो मैं सबसे पहले बता दूँ डब्ल्यू एक दो, मैंने दो लाइनिंग खींची, दो और फिर एक दो और तीन, ये हो गया तीन, इधर दो इधर तीन। आपकी दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि डब्ल्यू के एक तरफ दो और एक तरफ तीन है, बिल्कुल इस प्रकार से आपके दिमाग में ये छप चुका है। आप विश्वास करें डब्ल्यू का एक तरफ दो और एक तरफ तीन है, डब्ल्यू हो गया 23। या नहीं तो आप मेथड टू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये डब्ल्यू उल्टा तीन लग रहा है, आप इस पर दो डाल दीजिए, ऊपर नहीं नीचे डाल दीजिए, अब लगेगा 23। किसी प्रकार से याद होना चाहिए। अब सवाल रहा एक्स का, देखिए मैं एक्स में सबसे पहले एक दो, मैंने कितनी लाइनें खींची, दो लाइनें। अब मैं लाइन दोबारा काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, कितनी हो गई 24, यानी एक्स हो गया 24। फिर से आप देख लें मित्रों, एक दो, मैंने दो लाइनिंग खींची, मैंने लिखा दो, अब काउंट करें तो 1 2 3 4 हो गया 24। अब आपको मैंने यहाँ से ई से लेकर एक्स तक याद करा दिया, जेड 26 है, ये तो आसानी से सबको याद रहेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो वाई 25 है, ये याद को अपने खुद से याद रखना चाहिए। इस प्रकार अल्फ़ाबेट का आपको मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं आपको आपके बाएं से याद दिलाया हूँ, दाएं से नहीं, आपके बाएं से अल्फ़ाबेट अब कंप्लीट है। अगर कहीं भी कुछ असुविधा हो आप लाइक या कमेंट दे करके मुझे बता सकते हैं, और नियमित अभ्यास से अगर आप देखेंगे नहीं ये 5 मिनट के अंदर आपको याद नहीं हो गया तो फिर आप कहेंगे कि सर ने कैसा फार्मूला दिया था। धन्यवाद।